मेरा नाम विनायक आयरे, मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, कलवा में रहता हूँ। आई एम ऋषि कुलकर्णी, आई वर्क इन आईटी सेक्टर एंड आई स्टे इन कलवा। हम रेखा मिश्रा एक मॉल में काम करते हैं, यहाँ कलवा में रहते हैं। आई एम रोहन मेहता, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई स्टे इन कलवा। 40 साल हो गया मुझे यहाँ पर, तभी कोई नहीं था। जब सुबह ट्रेन पकड़ता था, इक्का दुक्का लोग होते थे स्टेशन पर। 20 साल पहले हम यूपी से यहाँ पे आए, शुरू शुरू में बहुत डर लगता था, नया शहर, अनजान लोग। सब दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते थे, कलवा ये कौन से ग्रह पे आता है, इट्स ऑन अर्थ। पहले हम बांद्रा में जॉब करते थे, अगर ट्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो गया और रिक्शा वाले को पूछो कि कलवा जाना है, तो वो पूछते कलवा ये कहाँ है। और एक दिन गणपति में वो सभी दोस्त मेरे घर पे आ गए और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कलवा इतना भी खूबसूरत हो सकता है, खुली हवा, ब्यूटीफुल व्यू। कहने लगे अब लोनावला जाने का खर्चा बच गया, ऋषि का घर जो है। एक बार ऑफिस से आते आते बहुत लेट हो गई, बच्चे भूखे क्या कर रहे होंगे इस बात का टेंशन। पर जब घर पहुंची तब देखा कि बाजू वाली महाराष्ट्रीयन आंटी ने दोनों बच्चों को खाना खिला के सुला दिया था। तब पता चला कि सोसाइटी में एक मराठी फैमिली, मतलब 4 फैमिलीज को साथ लेकर चलती है। आई थिंक कलवा हैज बीन अंडररेटेड टिल नाउ। जैसे क्रिकेट में वो अंडरडॉग टीम होती है ना, सबको लगता है कि कुछ नहीं कर पाएगी, बट फिर सबको सरप्राइज कर देती है। पिछले कुछ सालों में यहाँ जिस तेजी से मैंने डेवलपमेंट देखा है, मुझे लगता है इसका सारा श्रेय यहाँ के लोगों को जाता है। मला वाटतं लोकांनी कळव्याला आणि कळव्यांनी लोकांना बनवलंय। यहाँ से नवी मुंबई टच होता है, ठाणे टच होता है, मुंबई कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ के लोग किसी के साथ भी आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। If today someone asks me what is Kalwa, I proudly tell them that it is the first place in the country जहाँ रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई आया था। जैसे परिवार के बिना घर सिर्फ एक मकान होता है, वैसे लोगों के बिना शहर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। और कलवा अपने आप में एक संपूर्ण शहर है। अब तो उल्टी गंगा बहने लगी है, इंटरनेशनल स्कूल्स, मॉल्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स, कंपनीज, ऑल आर नियर बाय। अब तो मुंबई से यहाँ पे लोग जॉब करने आते हैं। और सुनने में आया है कोई बहुत अच्छा बिल्डर ग्रुप कलवा में आया है। अशर के आने से यू फील लाइक नॉट लीविंग द टाउन। आई थिंक सो कलवा पीपल हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम इन ट्रैवलिंग फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, नाउ दे डिजर्व एवरीथिंग एट देयर फुटस्टेप एंड अशर इज गोइंग टू फुलफिल दैट। ये शहर एक छोटे बच्चे की तरह है जिसे छोटे से लेके बड़ा होने तक मैंने देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है। अब इसके अच्छे दिन देखने का टाइम आ गया, अब आने वाला कल वाह होगा। 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 अगला स्टेशन कलवा, अगला स्टेशन कलवा। आने